तो ये अभी इसका जरूरी नहीं है क्योंकि माँ को वो तो मैंने सरेंडर कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं कर पाएगा कोई भी, और ये लाइफ टाइम ये दस्ती पकड़ना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। देखो हाँ, जो मेरा विश्वास करके परमेश्वर के हाथ की जिन पास आया, आपने दो दिन के बाद इन्होंने मुझे मिला और मैं जब इनको प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बात किया कि इसको सीधा पकड़ के खड़ा कर दो। तो मैं ये जब मैं प्रार्थना किया था ये हाथ पकड़ के एकदम ऐसे करके बैठे नहीं सजवाता, तो मैं जब उसको पकड़ के जब मुझे रिवील आया कि इसको उठाओ सीधा उठाओ चलने करो, तो मैं इसको सीधा उठा के चलने दिया है, चलो बोला तो इन्होंने चलने शुरू किया। ना ये देखिए इतना ये है और ये मैंने क्या होती है, ये परमेश्वर का मेरेकल है और ईमान और विश्वास है कि हम यहाँ आने से क्षमता होगा मुझे ना, तो ऐसा है। तो माँ आप डाको जाने से भी डाकोरी जो सीएससी बिटनरी का पेड़ वार्डन है, इसलिए जितना भी पेड़ वार्डन आप लोग जो पेड़ वार्डन है और जो गिफ्टेड भाई जो परमेश्वर जो गिफ्ट दिया है उन सब से मैं ये बोलेगा कि आपका गिफ्ट को सही तरह से यूज करो और आप ऐसे प्रेयर वाले परमिशन आपको जो दिया है उसको सही तरह से उसका काम करो, नहीं तो माँ का जैसा नहीं होगा ना। माँ आप ये बीच में प्रेयर वाले को कि काम सही से नहीं किया होगा इसलिए मनुष्य ने दंता मारा है। तो अभी परमिशन ने फिर माँ ने सबमिशन किया कि परमिशन अक्षय हम जो काम किएगा हम करेगा वो मेरे उन्होंने सबमिशन किया है तो चलता हुआ है, इनका विश्वास है चंदा हुआ है कि हम फिर से आपका काम करेगा। तो इसलिए अगर दोबारा नहीं करा फिर जाके काम नहीं करेगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने से दोबारा नहीं होता है, अभी जानता है ना। इसलिए जितना भी परमेश्वर का काम करने वाला पोस्ट में रहिए, चाहे एडवर्टाइज हो मास्टर्स हो चाहे जो भी लेकर है या प्रे वार्डन है प्रे सेक्टर में चर्च में, आप अच्छे से दिल से परमेश्वर का काम किए, जितना परमेश्वर का काम करेगा उतना आपका बच्चा अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा, हर चीज़ फैमिली अच्छा होगा। लेकिन आप काम सही से नहीं करेगा ये माँ का जैसे मनुष्य नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक मैसेज दृष्टिकोणी हम और माँ का तरफ से हम दे रहे हैं, तो ये आज काम देंगे।